ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे

आइए जानते हैं कैंसर पीपल ये मई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की होंगी ओके okay, आइए जानते हैं कैंसर पीपल तो पहला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पेज ऑफ फायर का कार्ड है अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ फायर का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड है द ड्रीमर का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ स्वोर्ड्स, सॉरी नाइन ऑफ फायर का कार्ड है एंड यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है तो कैंसर पीपल आप लोग ये बात तो बेहतर जानते हैं ना कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं इस पूरे महीने में आप अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है आपको छोटी छोटी बातें मन को परेशान करने वाली है आप लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं इस चीज को लेकर भी आप परेशान रहेंगे इमोशनली आप हर अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए कि आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में मूव करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपके इमोशंस आपकी प्रैक्टिकालिटी को ओवरपावर जरूर करेंगे ठीक है इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पास्ट के कुछ लोगों से आप कनेक्ट करने वाले हैं ये फिर कुछ सपने जो आपने अपने पास्ट में देखे थे जो किसी वजह से पूरे नहीं हो पाए उन सपनों को आप पूरा करने वाले हैं कुछ ऐसे लोग जो आपसे बिल्कुल डिसकनेक्ट हो गए थे आपके चाइल्डहुड कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं वो आपके कनेक्शन में आएंगे और आप ना अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे कुछ अच्छी आदतें आप में पहले थी आप उन्हें दोबारा से अपने अंदर रीडेवलप करने वाले हैं ठीक है वक्त और हालातों के चलते कुछ सपने आपको ड्रॉप करने पड़े थे उन सपनों को पूरा करने का मौका आपको अब आप मिलेगा एंड अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए आप मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनकी लाइफ के लिए कुछ अच्छे फैसले बनाते हुए आप मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस महीने में फाइनेंशियली आप जितनी ज्यादा मेहनत करने वाले हैं उसका फल आपको मिलेगा आपके हार्ड वर्क से आप अपनी लाइफ के अंदर लग्जरीज ऐड कर पाएंगे आप अपने लिए कुछ स्पेशल चीजें खरीद सकते हैं आप अपनी लाइफ में लग्जरी ऐड करने के लिए कुछ लग्जरियस आइटम्स खरीद सकते हैं आप जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आपकी लाइफ के अंदर ज्यादा अच्छे चेंजेस होने वाले हैं ठीक है ठीके? और आप अपने फाइनेंस के बारे में किसी से भी शेयर नहीं करने वाले ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं आप खुद ही किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले ठीक है ठीके? आपको अंदर से एक एप्रीहेंशन होगी कि नजर लग सकती है अच्छी बात है कोई बात नहीं आप किसी के साथ कुछ नहीं शेयर करना चाहते हैं मत कीजिए यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है इस महीने में एक डायरेक्शनल चेंज आपकी लाइफ में भी नजर आ रहा है आप बहुत ज्यादा एंथजियास्टिक इस डायरेक्शनल चेंज को लेकर होंगे ऑप्टोमिस्टिक होंगे क्रिएटिविटी से अपनी लाइफ वो आगे की और चैनलाइज करेंगे इम्पेश होंगे आपके सामने जो नई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी उन्हें क्राफ्ट करने की कोशिश आप करेंगे आप अपनी क्रिएटिविटी से हर काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और उससे आपको सफलता भी मिलेगी आप वो चीजें कीजिएगा जिन चीजों को लेकर आप पैशनेट हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा जब आप कोई चीज स्टार्ट करें तो उसे फिनिश आपको जरूर करना है ऐसा नहीं है कि एक काम किया उसके बाद दोबारा से वो काम वही छोड़ दिया नया काम आपने स्टार्ट कर लिया उससे लाइफ में ना आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल पाएगी जितना आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है स्टार्टिंग की मे की एनर्जी थोड़ी सी स्टक एनर्जीज है ये एक टेम्परेरी फेज होगा ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए ठीक है आप अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं चीजों में आपका परस्पेक्टिव चेंज होने वाला है आप ही के साथ लाइफ के अंदर ऐसी चीजें क्यों होती हैं इस चीज का जवाब आपको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है आप इस महीने में चैरिटी जरूर कीजिएगा यहाँ पर टू ऑफ फायर का कार्ड है इस महीने में अपनी लाइफ में आगे की और आपको कदम बढ़ाने फ्यूचर के लिए स्टेप्स लेने हैं आपको बोल्ड और एम्बिश चॉइसेस बनानी हैं इस महीने में आप किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं ऐसे पर्सन के साथ जिसके सपने आपके जैसे हों ठीक है आप इस महीने में अपने प्लान एक्सपैंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली आपको आगे की ओर बढ़ना है जितने भी डिसीजन लेने हैं फ्यूचर को दिमा रखते हुए आपको डिसीजन बनाने हैं ओके ये एनर्जीज है यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इस महीने में आपके पास बहुत सारा काम भी होने वाला है और आप जगलिंग की एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा रहेंगे आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आना है आपको इतना सारी चीजों में जगल करने की जरूरत नहीं चीजों को प्रायोरटाइज कीजिएगा आपके अंदर मल्टीटास्किंग करने की एबिलिटी है डिसीजन मेकिंग दिल से नहीं दिमाग से कीजिएगा और अपना बजट थोड़ा सा बनाकर चलिएगा नहीं तो थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है ठीक है बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड आपको रहने की जरूरत नहीं है मतलब कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे कर लेंगे कभी वैसे कर लेंगे ऐसी एनर्जीज में आपको नहीं रहना है यहां पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इस महीने में आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहने वाले हैं जिसमें रहने से कोई हर्च नहीं है जब तक आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में तब तक तो बिल्कुल सही है अगर आप सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं वो एक गलत कर्मा क्रिएट होना शुरू हो जाता है इस महीने में आप एक्सट्रीमिटीज में ऑपरेट करने वाले या तो आप दूसरों की बहुत ज्यादा मदद करेंगे या बिल्कुल मदद नहीं करेंगे या तो आप अपनी बातों को बहुत खुलकर कहेंगे या तो बिल्कुल नहीं कहेंगे ठीक है एक ब्लैक एंड व्हाइट जोन में आप ऑपरेट करने वाले हैं बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ग्रे जोन भी होता है जहां पर थोड़ी सी बात कर ली थोड़ी सी रहने दी थोड़ी सी मदद कर दी थोड़ी सी नहीं की ठीक है उस जोन में ऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा और अगर आपके मनी के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो चैरिटी करना मत भूलिएगा यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है इस महीने में आप अपनी लाइफ के कई डिफरेंट में एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं खुद पर यकीन रखिएगा अपने डर को को साइड में रखिएगा लीप ऑफ फेथ के के साथ आगे की ओर बढ़िएगा ईश्वर आपकी लाइफ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डायरेक्शन आपके लिए अच्छी ही होने वाली है पास्ट का कोई बैगेज लेकर आपको आगे नहीं बढ़ना है पास्ट की जो भी चीजें हैं उन्हें पीछे छोड़ दीजिएगा हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिले जो आपके जो आपकी फील्ड है उससे डिफरेंट हो या फिर वैसी चीजें आपने कभी पहले एक्सपीरियंस ना की कोई बात नहीं घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है आपको ये जो नई शुरुआत मिल रही है वो ईश्वर की तरफ से मिल रही है तो आपको रास्ता भी वही दिखाएंगे यहाँ पर नाइन ऑफ फायर का कार्ड है इस महीने में अपने आसपास वाले लोगों पर आपको ज्यादा यकीन नहीं होने वाला आप ज्यादा अप्रीहेंशन की एनर्जी में रहने वाले हैं आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे की ओर खींच रहे हैं जो आपने क्रिएट किया है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा आपको किसी भी चीज पर गिव अप नहीं करना है हर एक चीज के लिए प्रिपेर रहिएगा जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आप अटक रहे हैं वहां पर आप एंजल से मदद मांग सकते हैं आपको मदद जरूर मिलेगी इस महीने में नेचर के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिएगा प्लांट्स लगाइएगा ठीक है थोड़ा टाइम आप पार्क में जाकर बैठ सकते हैं वॉटर बॉडीज के पास थोड़ा टाइम बैठ सकते हैं उससे ना आपको एक बहुत ये रिफ्रेशिंग एनर्जीज फील होंगी ठीक है सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी कैंसर पीपल आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है इस मई के मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी ये महीना आपके लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है आइए जानते हैं कैंसर पीपल क्या लेकर आया है ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है दस सन का कार्ड है नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है कप्स का कार्ड है कप्स का कार्ड है एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ कप्स का कार्ड है एट बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है ओके कैंसर पीपल सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में है जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ है आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस आ रही है आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को आप अपने हाथ से गवाते चले जा रहे हैं रिलेशनशिप आपके हाथ से फिसलता चला जा रहा है आप बहुत ज़्यादा उदास हैं आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में इतनी सारी चीज़ें बिखराव की और किस तरह से बढ़ गई ठीक है आप दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि इस रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आएगी इतना ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है ये निराशा इसलिए बढ़ रही है कि आप जो कुछ भी अपने रिलेशनशिप के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं ना उसका आपको रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा है ठीक है अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए आपको अपने रिलेशनशिप को इस महीने में गिव अप नहीं करना है आप मुझे पता है जब भी कोई शुरुआत करना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप में या कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो आपको चैलेंजेस का सामना भी बार बार करना पड़ रहा है लेकिन इस नो no मून के बाद ना आपके इस रिलेशनशिप में ड्रास्टिक चेंज होने वाला है एट ऑफ मे के बाद आपके रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है आपके पार्टनर आपके साथ खुद कनेक्ट करेंगे ठीक है आपके पार्टनर आपके लिए अपना प्रपोजल लेकर आएंगे वो आपसे कनेक्ट करना शुरू करेंगे आपको अपने पार्टनर से उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पूछना है पहले आप अपने पार्टनर की बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा जब आपके पार्टनर अपनी सारी बातें आपसे कह दें उसके बाद जो भी आपके सवाल हैं वो आप अपने पार्टनर से जरूर कीजिएगा अब आपके पार्टनर आपके साथ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं निभाने वाले हैं अब वो आपको मैरिज के लिए ही कमिटमेंट देंगे ठीक है आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज कर सकते हैं इसी मंथ में उनकी कोशिश होगी कि वो आपके साथ मैरिज कर लें अगर आपके केस में ऐसा कुछ चल रहा है कि मैरिज हो चुकी है और कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा और आपका रीयूनियन एस्टेब्लिश होगा इस मंथ में आपके पार्टनर के अंदर आपके रिश्ते के अंदर बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं आपकी ये विश किस तरह से पूरी होगी इस चीज पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है बट हां आपकी ये विश पूरी होने वाली है ठीक है आपके जो भी इमोशंस आपके इस रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं जो ड्रेन हो रहे हैं जिसकी वजह से आप कमजोर पड़ रहे हैं वो रिलेशन जीने का मौका आपको इस महीने में मिलेगा देखिए अपने पार्टनर के साथ अपनी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है अपने पार्टनर को लेकर तो उनसे पूछ जरूर लीजिएगा उसके बाद आप इस रिलेशनशिप में आगे की ओर बढ़िएगा आपके पार्टनर कोई भी पास्ट की थर्ड पार्टी एनर्जी का बैगेज अपने साथ नहीं लेकर आने वाले हैं हर एक एनर्जी क्लियर है यहाँ पर आपको आपका रिश्ता बहुत खूबसूरती से जीने का मौका मिलने वाला है ओके फुल मून पर एनर्जीज और ज्यादा एनहैंस हो जाएंगी आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे वो आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं वो आपको किसी स्पेशल डेट पर लेकर जा सकते हैं ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रहे हैं सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है देखिए आपके पार्टनर उस तरीके से बिहेव नहीं कर हैं जिस तरह से आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं और इस महीने में ऑलरेडी इमोशंस बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई होंगी आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने रिश्ते में ना अपनी तरफ से सारे योगदान दे दिए हैं और फिर भी आपके पार्टनर को आपकी कोई कदर नहीं है तो आप ना इस रिलेशनशिप पर गिवअप करने के बारे में सोचने वाले हैं बट ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए नो के बाद आपके 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 इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ में बदलाव होंगे पार्टनर सामने अपने आप को इमोशनली बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आपके बच्चे हैं तो उनके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं ठीक है आपके पार्टनर कुछ इस तरह से बनेंगे कि वो इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करवाएंगे बहुत सिक्योर्ड फील करवाएंगे और ये जो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ लॉस आ रही है ना कि आपको इस रिश्ते को गिव अप करना है आप उस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे ठीक है आपके पार्टनर और आपको लेकर जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो इस महीने में पूरी हो सकती हैं आपके पार्टनर आपको बाहर लेकर जा सकते हैं आपके पार्टनर आपके सामने अपने इमोशंस को बहुत खुलकर रख सकते हैं वो आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड का रिलेशनशिप इस महीने से बहुत अच्छे तरीके से निभाने वाले हैं इस रिलेशनशिप में आपको अब किसी भी ऑब्स्टिकल का सामना नहीं करना पड़ेगा आपने बहुत मेहनत की है अपने इस रिश्ते पर अब आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर तो हार नहीं माननी है नो मून के बाद एनर्जीज अच्छी होंगी फुल मून तक जाते जाते ये एनर्जीज और बेहतर हो जाएंगी तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है ओके सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी अब हम उनके बारे में बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं कैंसर पीपल जो लोग सिंगल हैं इस महीने में आपका किसी के साथ कोई लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है अरेंज मैरिज की फॉर्म में आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ नजर नहीं आ रहा है लेकिन किसी के साथ आपका बॉन्ड बन सकता है ठीक है और इस पर्सन के साथ ना आप अपने आप को इमोशनली बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे आपका प्यार में विश्वास नहीं है लेकिन इस पर्सन की वजह से आपका प्यार में विश्वास बनने लगेगा आप इस पर्सन के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक आप या ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं और लास्ट तक शायद आपका रोका या कोई एंगेजमेंट हो जाए आपको इस पर्सन के अपनी लाइफ में आने से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस होंगी ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है आपका कॉन्फिडेंस वापस आने वाला है आपका प्यार में विश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यह जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं इनके जो ज़ोडिक साइंस हैं वो है कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वॉटर साइन ही है ठीक है और इस पर्सन को आपको अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट इमोशनल सपोर्ट भी देनी है सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कैंसर पीपल आइए अब हम जानते हैं ये मंथ आपके करियर के लिए क्या लेकर आया है इस मंथ में आपके करियर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है आइए है? जानते हैं कैंसर पीपल तो यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है यहाँ पर ईगो का कार्ड है द नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कार्ड है एंड पॉडम ऑफ दर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है ओके सो कैंसर पीपल इस महीने में आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत स्ट्रॉन्गली होती हुई नजर आ रही है बदलाव जो है वो सकारात्मक है कुछ ऐसी चीजें थी पास्ट में जो आप अपने करियर में नहीं कर पाए इस महीने में आपको वो चीजें करने का मौका मिलेगा और जो गलतियां भी आपने अपने पास्ट में की हैं अपने करियर के रिगार्ड में उसको रिव्यू करने का मौका भी आपको मिलेगा इस महीने में बैलेंस्ड रहकर अपने लाइफ की अपोजिट को मैनेज करते हुए बैलेंस करते हुए हार्ड वर्क करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हर चैलेंज का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे ठीक है अपनी और से आगे की ओर बढ़िएगा लोग आपके सक्सेस को देखकर आपकी सराहना करने वाले हैं लेकिन जब सक्सेस आती है ना तो साथ में ईगो भी लेकर आती है इस महीने में आपको ईगोइस्टिक बिल्कुल भी नहीं होना है ईगोइस्टिक हो जाएंगे तो डाउनफॉल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा इस महीने में आपको इल्यूजन होगी अगर आप इगोइस्टिक हो जाएंगे अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाइए कुछ ऐसी चॉइसेस बनाइए जिससे कि आपका करियर और ज्यादा बूस्ट हो पाए अपने करियर के रिगार्ड में अगर कोई भी फैसला आपको बनाना है तो बहुत ठंडे दिमाग से बनाना है ठीक है थोड़ा टाइम मेडिटेशन कीजिए फिर अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए हमेशा सिर्फ अपने करियर की एनर्जीज में ही इन्वॉल्व नहीं रहना है अपने लिए कुछ वक्त निकाल कर थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए वर्किंग आवर्स में भी थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए खुद के लिए ताकि आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील ना करें ठीक है आपके करियर के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है आपकी प्रमोशन हो सकती है या फिर आपको वो जॉब मिल सकती है जिसके बारे में आप बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे थे या सोच रहे थे इस मंथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना आपके घर का कोई पर्सन है आपको आपके करियर के रिगार्ड में बहुत अच्छी एडवाइस देगा उस पर्सन की एडवाइस को जरूर सुनिएगा इस मंथ में आपको क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करना है क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना है अगर आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो सबको साथ लेकर चलिए उससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी इस मंथ में अपने करियर के रिगार्ड में जो भी फैसले बनाने प्रैक्टिकल होकर बनाइएगा सेंसिबिलिटी से बनाइएगा आपको सक्सेस जरूर मिलेगी जेनरस होकर आपको काम करना है प्रैक्टिकल होकर काम करना है थोड़ी सी आपकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच भी रहने वाली है कोई बात नहीं आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर आता हुआ नजर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ की हर एक चीज को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं ठीक है आपके घर परिवार के लिए आप कुछ जोड़ पाएंगे इस मंथ में वो आपके करियर की एनर्जीज में क्लियरली नजर आ रहा है सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज पे बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आइए अब हम जानते हैं, है? people, जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है कैंसर पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है देन इज द मून का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है देखिए इस महीने में आपकी हेल्थ को लेकर मुझे कोई बड़े इश्यूज होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन अपने स्लीपिंग पैटर्न पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है अगर रात के टाइम पर आप टाइम पर नहीं सोएंगे तो उससे आपको कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंसेस हो सकती हैं एन्जाइटी स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन uh, जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं या फिर uh, आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा रात के टाइम पर किसी ठंडी चीज़ का सेवन नहीं करना आइसक्रीम नहीं खाने आपको आपको वाइट रंग की चीज़ का सेवन नहीं करना चावल नहीं खाने हैं दही नहीं खाना है ठीक है और अगर दूध पीना है तो हल्दी डालकर आप दूध पी सकते हैं इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इस मंथ में अपने हेल्थ पर आप खुद कुछ स्पेंड करते हुए भी नजर आ रहे हैं हो सकता है कि आप योगा प्रोग्राम कर लें हो सकता है कि आप कोई जिम ज्वाइन कर ले या फिर ज़ुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर ले ऐसी एनर्जीज यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है देन इज द सन का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ यहाँ पर कप्स का कार्ड है देन इज नाइट ऑफ स्व का कार्ड है फोर ऑफ पायर का 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 कार्ड 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 है 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 किंग ऑफ ऑफ पर कप्स कप्स नाइन इस महीने में जहां पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में आपको हेजिटेंट होने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा रिसर्च करने तो बेहद जरूरी है लेकिन इस महीने में की गई इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देने वाली है आप बहुत ज्यादा खुश होंगे कि इस टाइम पर आपने इन्वेस्टमेंट की है इस महीने में अगर आपको कोई मिस करने की कोशिश करे कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए पैसा डूब जाएगा या फिर स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है किसी की बात मत सुनिएगा खुद फैसले लीजिएगा ठीक है आपकी जो भी इच्छा है आप वहां पर उतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में कर लीजिए क्रिप्टो में कर लीजिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बड़ा अमाउंट आप इस महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पर आपके हाउसिंग की तो इस महीने में डेफिनेटली आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं आप बना बनाया घर ले सकते हैं आप लैंड लेकर रखना चाहते हैं ले सकते हैं फ्लैट लेना चाहते हैं ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आपको कॉमर्शियल लैंड नहीं लेना चाहिए आपको शॉप नहीं लेनी चाहिए गिराज नहीं लेना चाहिए और कोई कॉमर्शियल लैंड आप खरीदना चाहते हैं वो आपको नहीं लेना चाहिए ओके सो आई होप आपको ये एन चीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव्स की तैयारी कर रहे हैं आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है यहाँ पर फाइव ऑफ फायर का कार्ड का है नेक्स्ट इज रिलीज का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है नेक्स्ट इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉडम ऑफ डेक पर थ्री ऑफ फायर का कार्ड है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले तो आप किस चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं और कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं ये किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है अपने मम्मी पापा को भी कहिए कि आपकी पढ़ाई के बारे में वो किसी से बात ना करें क्योंकि कोई पर्सन आपकी पढ़ाई पर रोक लगा सकता है ठीक है इस महीने में आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है क्योंकि आप पास्ट में जो आपको फेलियर एक्सपीरियंस हुआ है वो किस वजह से हुआ है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अध्ययन करने वाले हैं ठीक है जो भी नेगेटिविटी है उसे आप अच्छे तरीके से रिलीज करने वाले हैं आप काफी ज्यादा डिटर्मिट रहेंगे आपके लॉजिक्स आपके आसपास वाले लोगों को समझ नहीं आएंगे हो सकता है आपके मम्मा पापा को भी समझना आए कि आप किस तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग चलना है ठीक है प्रैक्टिकल होकर पढ़ाई करनी है दिन के टाइम पर जितनी ज्यादा पढ़ाई कर सकेंगे उतना अच्छा है और किसी पर एहसान करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है कि आप पढ़ाई अपनी मम्मी के लिए कर रहे हैं या अपने पापा के लिए कर रहे हैं ऐसा मत कीजिएगा ठीक है आपको सक्सेस जरूर मिलेगी आपका फ्यूचर बहुत बेटर हो पाएगा अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है या कोई प्रमोशनल एग्जाम है वो आपका डेफिनेटली क्लियर हो सकता है किसी का दिया हुआ प्रसाद मत खाइएगा उससे आपके स्पेशली आपके पढ़ाई वाले जोन में रोक लग सकते हैं ओके सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कैंसर पीपल आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए वॉट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है कॉल टू एक्शन का कार्ड है द कार्ड कार्डेज ग्रीन माँ का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड एस सीक्रेट विजन का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड एस हायर लर्निंग का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड एज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सोल एक्सपांशन का कार्ड है देखिए इस महीने में आपको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है जो आप करना चाहते हैं उसे आपको क्लियरली करना है बोलना नहीं है आपको जो साबित करना है वो आप करके दिखाइए बोलने का कोई फायदा नहीं है सैटरडे के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज का दान करना चाहिए आप जन आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं आप काले तिल का दान कर सकते हैं आप रिंग साबुन होता है छोटे ब्लू कलर की चक्की आप उसका दान कर सकते हैं उससे आपका सैटर्न मजबूत होगा और अगर आपको मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा सताती है तो आप सैटरडे के दिन पर शिवलिंग पर एक लोटे के अंदर जल लेकर जाइए साथ में दूध डालिए थोड़ा सा और काले तेल डालकर वो अर्पित कीजिए उससे आपको मेंटल टेंशन नहीं होगी यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड है इस महीने में आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है जब प्रोटेक्शन मिलती है तो कुछ कार्मिक कॉर्ड्स भी कट होते हैं हो हो सकता है कि कुछ लोग आपसे होने दीजिएगा। उन्हें अपनी लाइफ में दोबारा से खींच खींच कर लाने की जरूरत नहीं है अपने आप को लिमिट मत कीजिएगा, ईश्वर पर भरोसा कीजिएगा और इस मंथ में आप डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन गहरा करने की कोशिश कीजिए मेडिटेशन कीजिए ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए मेडिटेशन को इस महीने में आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आप कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिसे आप माफ नहीं कर पा रहे हैं जब तक आप उस पर्सन को माफ नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ठीक है हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया लेकिन उस पर्सन की वजह से आपको ट्रिगर्स मिले और आज आप एक अच्छी जगह पर हैं तो उस पर्सन को माफ कर दीजिए ताकि आप उसकी एनर्जी से टैप आउट कर पाए और ट्यूसडे के दिन पर आपको लाल रंग की चीजों का दान करना है आप गेहूं का दान कर सकते हैं आप गुड़ का दान कर सकते हैं शक्कर का दान कर सकते हैं लाल रंग के कपड़े का दान आप कर सकते हैं ठीक है ये चीजों का ध्यान रखिएगा देखिए आपने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है तो आगे अगर अपने जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको अपने आप से कनेक्शन बनाना है मेडिटेशन करनी है अपनी सोल से गहरा कनेक्शन बनाना है और फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना आपको नहीं भूलना है इस महीने में आपके विजन्स आपके गोल्स आपके ड्रीम्स रियलिटी बन सकते हैं इसलिए फोकस्ड रहना है भटकाव की एनर्जीज में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है और पॉजिटिव चीजें सोचनी है तो ही पॉजिटिविटी आपको हासिल होगी यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है इस महीने में आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है आपकी लाइफ में कौन सी चीजें क्यों हुई उसके पीछे का क्या कारण था वो सारी चीजें इस महीने में आपको समझ आएंगी चीजों के बीच में कनेक्शन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इस महीने में ओम की चांटिंग जरूर कीजिए उससे आपका थ्रोट चक्रा भी ओपन होगा सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आइए जानते हैं कैंसर पीपल इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है

के सामने कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक पाए अब आपको हर एक जगह पर सपोर्ट मिलने वाली है आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं अगर उसमें कोई चुनौती आती भी है तो आपको सपोर्ट मिलेगी और आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे आप अपनी लाइफ में चॉइसेस बना सकते हैं आप अपने लिए कुछ भी गलत नहीं चूज करने वाले हैं लेकिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है अपने रूट्स के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी चीजें बेहतर सोच कर रखी हैं बहुत कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए तो आप भी बड़ा सोचिए ओके सो आई होप कैंसर पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर अपने रिलेशनशिप्स को लेकर अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यू सो